अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नौशीन। आज हम आपके लिए लाए हैं सिवैया मेकिंग व्लॉग। एक छोटा सा फैमिली फंक्शन था हमारे घर, तो हमने सोचा आपसे शेयर की जाइए सिवैया मेकिंग व्लॉग। आज ये सिवैया हम नहीं बना रहे हैं, बल्कि हमारे भाभी और सिस्टर्स बना रहे हैं। बाकी के सभी लोग उनके हेल्प कर रहे हैं। पूरा 8 kg इन्होंने सिवैया बनाई है और यह आखिरी डेगचा बचा हुआ था, तो हमने सोचा आपसे ये शेयर किया जाए। तो आप इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। माशाल्लाह सिवैया इनके हाथों से बहुत ही अच्छी बनती है। हमारे सारे फैमिली फंक्शंस में ये आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं। आप देखिएगा कितना अच्छा कलर आ रहा है सिवैयों का, अच्छे से बुनाई हो रही है सिवैयों की। 3 किलो सिवैयों में 1.5 किलो डालडा घी, 1 किलो शक्कर और 1 कप देसी घी यूज़ किया है इन्होंने। ये देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर लग रहा है। सिवैयों को इक्वल कलर में भुनना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे से इक्वली भुनी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सिवैया भुन चुकी है। अब इसमें हम खौलता हुआ पानी ऐड करेंगे। एक्चुअली पानी तो दीदी ने डाला था, वरना दीदी डांटेंगे कि पानी तो हमने डाला था, आपने खुद का नाम क्यों लिया। बस इसी तरह सभी ने मिलजुल कर अल्हम्दुलिल्लाह से वो कम्प्लीटली डन कर दिया है। अब देखिए ज़रूरत के मुताबिक इन्होंने पानी डाला है, तकरीबन 2 लीटर के करीब इन्होंने पानी डाला होगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे वो। उसके बाद शक्कर डालेंगे तकरीबन 1 किलो। फिर से थोड़ी ज़रूरत के मुताबिक इन्होंने पानी डाला है तकरीबन 0.5 लीटर के करीब। ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर से शक्कर ऐड करेंगे। दूसरी भाभी शक्कर ऐड करने का काम कर रही है। ननन ने सिवैयों को रोस्ट करने का काम किया था, वो शूट होने से रह गया। अब ये 3 टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड कर रहे हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। फिर सॉल्ट डाल रहे हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। नमक आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। अब फाइनली इसे और ज़्यादा यमी बनाने के लिए 1 कप देसी घी का ऐड करेंगे। ये देखिए 1 कप देसी घी इन्होंने ऐड कर लिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। 0.5 कप देसी घी ये बाद में ऐड करेंगे फाइनल दम देते हुए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। माशाल्लाह टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन लगा है, हमने चेक किया है। अब फाइनली इसे दम पर रखने का टाइम आ गया है। 0.5 कप देसी घी का इन्होंने शामिल किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब इसे ये दम पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। सिवैयों को दम पर रखते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे ओपन कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सिवैया बनी है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपने सिवैया मेकिंग टीम का कि इतनी गर्मी में इन्होंने इतनी बेहतरीन डिश तैयार करके हमें दी है। जज़ाकअल्लाह खैर। तो बताइए फ्रेंड्स, हमारा आज का सिवैया मेकिंग व्लॉग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।